मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको घातांक और करणी में आगे के जो बड़े सवाल है वो समझाने जा रहा हूं। देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक में m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात करने के लिए हमको ये तीन क्वेश्चन दे रखे हैं। तीनों क्वेश्चन में m m m दिया, इनका मान ज्ञात करना है। सम बहुत इजी, मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन है 7 की पावर m डिवाइडेड बाय 7 की पावर -4 7 की पावर 6। देखिए, डिवाइड हो रहा है ये और ये आधार है, इन दोनों के आधार समान है, भाग हो रहा है तो घाते क्या होंगी, आपस में घट जाएंगे। तो m माइनस और माइनस का 4 बराबर 7 की पावर 6। तो 7 की पावर m + 4 बराबर 7 की पावर 6, बेस से बेस कट गया। तो m + 4 = 6, m = 6 - 4, यानी m बराबर क्या क्या बेटा, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सॉल्यूशन को देखिए, बेस इक्वल डिवाइड होगा तो पावर माइनस में हो जाती, मैंने पावर माइनस में कर दी और ब्रैकेट ओपन कर दिया, 10 में हो गई, 7 से 7 कट गया, पर काटते नहीं है, पावर पावर बची, दोनों को इक्वल कर दिया और एम की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था 2 की पावर 2m + 4 = 4 की पावर 2m - 3। तो देखिए, 2 की पावर 2m + 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है, और फिर एक बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए क्योंकि एक और पावर लगानी है, उसको आप 2m - 3 में लिख लीजिए, ठीक है। तो 2 की पावर 2m + 4 मेरा ये रहा। आप देखिए, 4 को हमने 2 की पावर 2 लिखा, यानी इस पोर्शन को, और ये जो पावर थी ब्रैकेट से पावर कर दी। अब ब्रैकेट ओपन करिए तो पावर और पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 2 4m और इसी 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, ठीक है बेटा। फिर देखिए, बेस बेस इक्वल है, दोनों कट जाएंगे, काटेंगे नहीं आप, 2m + 4 = 4m - 6। अब शिफ्ट कर दीजिए, m को इधर ले आइए, 2m - 4m = -6 - 4, तो माइनस का 2m = -10। अब माइनस से माइनस कट, जब माइनस से माइनस कट हो गया हमारा, तो 2m = कितना आ गया 10, तो m = 10/2, 2 5s are 10, तो m = कितना आ गया बेटा 5। ये आपके क्वेश्चन नंबर खा का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर गा देखिए, -5 की पावर 2m + 1 - 5 की पावर 3 = -5 की पावर 8। फिर देखिए, बेस इक्वल है दोनों के, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, -5 की पावर 2m + 1 + 3 = -5 की पावर कितनी हो गई बेटा, 8। अब देखिए, बेस इक्वल, फिर -5 से -5 कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 2m + 1 + 3 = 8। आप चाहते तो यहां आप इसको ऐड भी कर सकते थे, पर हमने ऐड नहीं किया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर दूंगा। तो 3 + 1 = 4, 2m + 4 = 8, तो 2m = 8 - 4, तो 2m = 4 और m = 4/2, कट कर दीजिए 2, तो यहां पे m की वैल्यू मेरी क्या आ गई स्टूडेंट्स, 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया।
तो आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, ये चौथा क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये रिजल्ट अपॉन में है। आप लोगों को ये ना लगे कि अपॉन में कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अपॉन में सॉल्व करने का तरीका क्या, प्रोसेस वही होता है चाहे डिजिट अपॉन में हो चाहे ना हो। देखिए 11/9 होल की पावर 4 माइनस 11/9 होल की पावर 3m माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 11/9 होल की पावर। इन दोनों के बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, ऐड कर दीजिए 4 प्लस 3m माइनस 1, यहां पे माइनस 11/9 होल की पावर क्या होगी 3, माइनस 11/9 होल की पावर 3m, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया 3 बचा, माइनस 11/9 होल की पावर। फिर देखिए 11/9 से 11/9 क्या हो गया बेटा, कट हो गया क्योंकि बेस इक्वल है, तो क्या आया 3m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, तो 3m इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3, तो 3m इज इक्वल्स टू 6 एंड m इज इक्वल्स टू 6/3, 3 बंदा 3, 3 बंदा 6, तो m इज इक्वल्स टू बेटा क्या आ गया। ये हमारे चारों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, एक क्वेश्चन बचा है वो भी अपॉन वाला ही है, तो आपको इसी प्रोसेस से उसको भी सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से इन चारों क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपको वीडियोस में कोई सम नोट करने हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, इसके बाद नोट किया कीजिए, और कुछ भी ना समझ में आए तो मैसेज या कॉल के थ्रू पूछा करिए। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।